गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, फिट, हेल्दी एंड हैप्पी। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट विद इंटरैक्टिव इंग्लिश एंड ग्रामर कंपोजिशन। वी विल डू रिवीजन ऑफ बोथ द बुक्स वेरी क्विकली, ठीक है? सो फर्स्ट चैप्टर है फॉर, मैं एक ब्रीफली बता दे रही हूँ कि दो तीनों चैप्टर्स में है क्या क्या लर्न आपको खुद करना है। मेनली मैं आपको बता दूंगी कि कितना पोर्शन लर्न करना, उतना ही आएगा, डोंट वरी, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर आई लव माई फैमिली, जिसमें विवान है, उसकी सिस्टर है, उसके ग्रैंडफादर है, उसकी ग्रैंडमदर है, उसके फादर है, उसकी मदर है। सिस्टर का नाम अवनी है, ये विवान है, ये अवनी है, ये अमित गुप्ता है, इनके ग्रैंडफादर, वीना गुप्ता उनकी ग्रैंडमदर है, अशोक गुप्ता कौन है, उनके फादर है, एंड अनीता गुप्ता उनकी मदर है। तो ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, ही लव हिज फैमिली, देर आर 6 मेंबर्स इन हिज फैमिली, ओके? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज आर नेबर्स, हमारे पड़ोसी। इसमें है विवान, जो कि गार्डन में खेलता है, काइट उड़ाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, मगर वो उसका घर ऐसी जगह, वहाँ पे कोई आसपास नहीं रहता है। फिर उसकी एक नेबर आती है मैरी, जिससे वो बहुत खुश होता है, उससे दोस्ती कर लेता है कि ये कि वो मेरी नेबर है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर बेटा है यमी फूड। यमी फूड मतलब क्या कि रवि, रीता और विवान होते हैं, ठीक है, जो कि स्कूल में अपना अपना लंच बॉक्स ले जाते हैं, तीनों तीन तरह का खाना लाते हैं। तो उसी में उसमें जो बताया गया है कि कौन अच्छा अच्छा खाना लेके गया, किसका फूड हेल्दी है और किसका अनहेल्दी है, ठीक है? विवान क्या ले, विवान लाता है कैरेट्स, पोहा और बॉयल्ड बीन्स, ठीक है? जो विवान है, देखो ये जो सेंटर में है, ये पोहा, बीन्स और कैरेट लाता है, और ये लाती है पराठे। रीता लेके क्या आती है, पराठे, मगर जो ये रवि है, ये पोटैटो चिप्स, पिज़्ज़ा वगैरह। तो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब तो अनहेल्दी फूड होता है ना, यमी फूड होता है, यमी तो होता है बट अनहेल्दी होता है, ठीक है? तो ये दोनों हेल्दी फूड लाते हैं। फिर टीचर उनको समझाती है कि हमको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए हमको? फ्रेश फूड, और जंक फूड को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, बर्गर, पिज़्ज़ा बेटा बिल्कुल भी नहीं, चिप्स जो बाहर के मार्केट के आते हैं, दीज ऑल आर अनहेल्दी फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अनहेल्दी फूड है, बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। हमको सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो मम्मा अच्छा अच्छा खाना बनाती घर पे, वही खाना चाहिए, ठीक है? जिसमें हमारे पराठे हैं, जो हमारी रॉ कैरेट है, एप्पल फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बीन्स हैं, तो ये सब आप खा सकते हो। पोहा भी खा सकते हो, पोहा भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उपमा खा सकते हो, बट ये बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी। ये सब अनहेल्दी होता है, हमारी हेल्थ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ये चैप्टर है, ये तीन चैप्टर्स में से ही आएगा, ठीक है? अब देखो, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको मैं रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। नेम वन थिंग दैट विवान हैज इन लंच बॉक्स, पोहा। वन थिंग दैट रीता इज इन, रीता पराठे लाई थी, पोटैटो चिप्स एंड पिज्ज़ा कौन लेके आया था, वो रवि लेके आया था। टू टाइप्स ऑफ हेल्दी फूड कौन से होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जंक फूड पिज्ज़ा और बर्गर, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? तो टीचर चिल्ड्रन बच्चों से क्या कहती है कि हेल्दी खाना खा, टू ईट हेल्दी फूड। उसके टीचर स्माइल क्यों करती है, बिकॉज द चिल्ड्रन रिमेंबर द लेसन अबाउट द फूड वेल, कि चिल्ड्रंस को लेसन मिल गया कि अच्छा खाना क्या होता है, ठीक है बेटा? ये तो हो गई आपकी थ्री चैप्टर की रिवीजन। उसके बाद बेटा जो ये पीरियोडिक टेस्ट है, इसको जरूर आप रिवाइज करना, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ठीक है? पीरियोडिक टेस्ट जो है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, पीरियोडिक टेस्ट जो है ये ज़रूर आप करना रिवीजन, इसमें से एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा। तो ठीक है, ये हो गई बात आपकी इंटरेक्टिव इंग्लिश की। फिर बेटा ग्रामर में आपको मैंने एक सेंटेंस बताया था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और जिनके आगे फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है? और जिस और उस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो, तो भी सेंटेंस माने जाएंगे। अगर कोई भी छोटा सा बना दे और वो मीनिंगफुल ना हो, प्रॉपर पूरा सेंटेंस ना हो, सॉरी, तो उसके उसको नहीं बोलेंगे सेंटेंस, ठीक है? सेकंड हमारा कैपिटल्स है। कैपिटल्स आपको पता है कि कोई नाम हो, कोई प्लेस हो, तो वहाँ पे कैपिटल लेटर्स आएंगे, और जो भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपके आर्टिकल्स थे ए एंड द, तो ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? फिर बेटा फेदर इन माई कैप, पेज नंबर 18 पे है फेदर इन माई कैप, सब तो आप कर लोगे, ठीक है? फेदर इन माई कैप आपके रिवीजन करने के लिए है, ये इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो प्लीज डू रिवीजन ऑफ दिस फेदर इन माई कैप, ओके? उसके बाद है बेटा नेमिंग वर्ड्स, जो भी नाउन्स होते हैं, नाउन्स आपको पता है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब क्या होते हैं, यही यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स हैं कुछ,
इसमें वर्ड्स आपको बताना है, कुछ पर्संस के नेम्स भी आ सकते हैं, नेम ऑफ सम पर्संस, नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सम एनिमल्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम्स में। सो अभी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल नेम, अगर हम किसी चीज़ को स्पेशल, अगर मैं बुलाऊँ कि कोई भी नाम ले लो, जैसे रीता ही ले लो, रीता कम हेयर, तो रीता को मैंने स्पेसिफाई किया ना, स्पेशली रीता को बुलाया है। अब मैं कहूँगी प्लीज़ कम हेयर, कौन कम हेयर, किसको मैंने बुलाया है, तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी शी विल डू द वर्क, हु विल डू द वर्क, हु इज शी, कुछ मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं दी ना उसको, प्रॉपरली नहीं ना बोला। शी इज़ अ कॉमन नाउन, कॉमन हम शी किसी के सब लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं जो भी फीमेल होती हैं। बट अगर मैं नाम ले लूँगी रीता, निधि, मतलब जो भी नाम होगा, तो वो स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, हम उसको प्रॉपरली बुला रहे हैं, ठीक है। किसी भी जगह को कि मुझे वहाँ जाना, वहाँ कहाँ, अरे मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, मीन्स दिल्ली इज़ द प्रॉपर नाउन। ओके, गॉट माई पॉइंट, ओके बेटा, ठीक है, तो ये भी आपको हो गया। फिर आपका है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन अच्छे से आपको करना है। फिर है सिंगुलर प्लूरल, ये भी आएगा आपका एग्जाम्स में कि कोई एक चीज़ हो, अगर पेंसिल है तो ये सिंगल है, अगर पेंसिल्स हो गया, एस लगा दिया मैंने, तो प्लूरल हो गया, अंडरस्टूड। तो बेटा इन सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लो, मैंने आपको शॉर्टली बता दिया एग्जाम्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर की भी और कॉपी में भी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन वर्क डाल के आप ये एक्सरसाइजेज जो इसमें ग्रामर में है, मैंने ग्रामर की कॉपी का वर्क आपको भेज दिया है, बस आपको एक कोई भी प्रैक्टिस कॉपी ले लेना, इस कॉपी मैंने कोई भी प्रैक्टिस कॉपी ले लेना, उसमें सिंगुलर प्लूरल चाहे वो, उसमें प्रैक्टिस करना, सेंटेंस बनाना, लिखना कि सेंटेंस क्या होता है, एक कोई भी एक सेंटेंस बनाना, उसमें पूछना पापा से चाहे मम्मा से, मम्मा मैंने सेंटेंस सही लिखा है, उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे इस पूरे सेंटेंस में, और उसका एक मीनिंग होना चाहिए उस सेंटेंस का। ये नहीं कि मैंने कैपिटल लेटर तो शुरू कर दिया, फुल स्टॉप तो लगा दिया, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बेटा प्लीज़ लर्न, जो भी मैंने आपको बातें बोली हैं उसको अपने माइंड में रखिए और रिवीजन करिए, ओके, फोकस ऑन रिवीजन, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।